हाय फ्रेंड्स, आई एम रोशनी। वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। सो आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं रिवीजन टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं का इंग्लिश विषय का। तो क्या है हमारा पेपर, हम देखेंगे इसके सारे सॉल्यूशन, 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक हम पूरे सॉल्यूशन ए टू जेड देखने वाले, वो भी 1 ही वीडियो में। तो एक ही वीडियो में हम पूरे सॉल्यूशन देख लेंगे। तो आप ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल को तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे रिवीजन टेस्ट पेपर सारे विषय के सॉल्यूशन फटाफट मिले, और इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को भी इसका सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया हमारा पहला क्वेश्चन, हमें एक पैसेज दिया गया, हम इसको रीड करना है और उसके कुछ आंसर क्वेश्चन हमें देना है। तो पहला एक पैसेज जो कि भेज दिया गया, इस पर एक आदर्श स्टूडेंट का किस प्रकार होना चाहिए, उसके गुण किस प्रकार होता है एक आदर्श स्टूडेंट, उस पर भेज है। तो यहाँ पर हमें दो कथन दिए गए, हमें एक महात्मा गांधी के ने कहा है आदर्श स्टूडेंट के बारे में क्या परिभाषा होंगी, और हमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि महिला और बूढ़ों और व्यक्तियों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये हमें दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, कि पहला क्वेश्चन है अ स्टूडेंट विथाउट डिसिप्लिन इज कंपेयर टू अ, एक ऐसा विद्यार्थी जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, जो अनुशासन में नहीं रहता है या जिसके पास अनुशासन नहीं है, तो किसके समान होगा, उसको किससे कंपेयर किया गया है। तो हमारा ऑप्शन है शिप से या रडर से, शिप से या शिप विथ अ रडर। तो इसका आंसर क्या होगा, एक शिप से, इसका हमें आंसर मिल जाएगा पैसेज में ही। तो एक शिप से इसका किसकी की तुलना की गई है, एक स्टूडेंट की जो बिना डिसिप्लिन के होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, शिप। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया हमें, हु आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, मतलब कल के कौन लीडर्स करने वाला है। तो कौन है, ऑप्शन है गांधी जी, विवेकानंद जी और स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टूडेंट्स, कल के हमारे भविष्य के कौन है, बच्चे है, विद्यार्थी हमारा भविष्य के निर्माता है। तो इस प्रकार हमारा क्या आंसर होगा, स्टूडेंट। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, सी नंबर का, हु इज एन आइडियल स्टूडेंट, कौन एक आदर्श विद्यार्थी है, तो कौन होता है। तो हमें पैसेज में, हमें स्टार्टिंग में इसका जैसे कि मीनिंग दिख रहा है, तो क्या मिलेगा, एन आइडियल स्टूडेंट इज फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक आदर्श विद्यार्थी वही है जिसे उसे पता है, वो सतर्क है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और वो अवेयर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, यानी कि अपने लिए कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों से पता है, वो अवेयर है उसके प्रति, तो वह एक आदर्श विद्यार्थी है। अब क्या है, डी क्वेश्चन हमें दिया गया है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट क्वालिटीज शुड एन आइडियल स्टूडेंट हैव, गांधी जी के अनुसार एक अच्छे विद्यार्थी में, एक आदर्श विद्यार्थी में किस प्रकार के गुण होना चाहिए, तो क्या गुण होंगे उसका आंसर, अकॉर्डिंग टू गांधी जी एन आइडियल स्टूडेंट हैव द क्वालिटी ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग एंड शुड लिव इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। एक आदर्श विद्यार्थी में क्या होना चाहिए, उसके एक सामान्य जीवन जीने की राह और उसकी सोच बहुत ऊंची होना चाहिए, मतलब वो हर प्रकार से सोच सके कि किस प्रकार अच्छा और किस प्रकार बुरा कार्य होगा, और उसके अनुसार उसके जीवन में सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की, यदि वो समय का बहुत पाबंद भी होना चाहिए, इतने समय में हर कार्य को कंप्लीट करना चाहिए। इस प्रकार ये एक आदर्श विद्यार्थी की परिभाषा हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा ई नंबर के क्वेश्चन पे। तो ई नंबर का हमें क्या दिया गया है, व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट मैन एंड वुमेन, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है महिला और पुरुषों के बारे में किस प्रकार होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद से अबाउट मैन एंड वुमेन विथ मसल्स ऑफ आयरन नर्व्स ऑफ स्टील्स, मतलब इनकी मांसपेशियां महिला और पुरुषों किस प्रकार होना चाहिए, लोहे की, यहाँ पर जहां हमें क्या, हमें स्ट्रिक्स जो हमारे लिए है वहां पर महिलाओं की मांसपेशियां और कैसे होना चाहिए, पुरुषों की मसल्स जो होना चाहिए वो आयरन के समान, लोहे के समान, और नर्व्स को स्टील के समान होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे हमें अगेन एक पैसेज दिया गया है, किस प्रकार हमें एक पैसेज दिया है, इसके प्रति हमें कुछ एक ट्रू हमारे फ्रेंड, फॉल्स फ्रेंड और ट्रू फ्रेंड के बारे में एक पैसेज दिया है, अच्छे और मित्र की पहचान किस प्रकार होगी ये दिया है। इस पर हमें कुछ क्वेश्चन है, तो पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो उसका आंसर हमें इस पैसेज में मिल जाएगा। तो क्या है पहला क्वेश्चन, अ फॉल्स फ्रेंड, तो एक हमारा एक गलत दोस्त क्या होता है, लीव्स अस, हमें एक गलत दोस्त को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और दूसरा अ ट्रू फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड के साथ में हमें कहना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, मतलब एक सच्चे दोस्त के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए और एक बुरे दोस्त को हमें छोड़ देना चाहिए, तो रिमेन विथ अस, ये हो गया आंसर बी, और आंसर ये हो गया लीव्स अस, हमें उसे छोड़ देना चाहिए, हमारे गलत दोस्तों को, फॉल्स फ्रेंड को, और अच्छे दोस्तों के साथ हमें रहना चाहिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, वी नो द ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ अवर फ्रेंड्स, हमें कब पता चलेगा जब हमारे सही दोस्त कौन है, तो हमारा ऑप्शन है व्हेन वी आर रिच, जब हम अमीर होंगे, व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम क्या होंगे, खुश होंगे, व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम क्या होंगे, कठिनाई में, मुश्किल में या ट्रबल में फंसे होंगे, व्हेन दे वांट अवर हेल्प, जब वो हमारी क्या करना चाहेंगे, मदद। तो अब यह हमें ट्रू फ्रेंड्स कब पता चलेगा, जब हम क्या होंगे, ट्रबल में होंगे, जब हम मुश्किल में होंगे, तब हमें पता चलेगा हमारे सच्चे मित्र कौन है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अवर फ्रेंड्स, हम When do we not, जब हमें नहीं पता है कि हमारे सही दोस्त कौन है, तो कब कब नहीं पता चलता है कि हमारे सही दोस्त कौन है, जब
तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच, जब हम क्या होते हैं बहुत खुश होते हैं और अमीर होते, तब देन वी कैन नॉट नो, तब हम नहीं पता कर सकते कि हमारे सही दोस्त कौन है, देन द ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ अवर फ्रेंड्स, तो हम नहीं पता कर सकते कि हमारा सच्चे मित्र कौन है। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, यहाँ पे हमारा सेक्शन ए पूरा सॉल्व हो गया, फुल सॉल्व कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर हम थ्री की ओर बढ़ते हैं, जो कि किसमें आता है, सेक्शन बी में। यहाँ पर हमें एक नोट समरी मेकिंग नोट करना है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ने से पहले हमारे कुछ आंसर छूट रहे हैं, मतलब गिव अपोजिट हमें देना है और फिफ्थ नंबर का, फोर्थ और फिफ्थ हमारा बच रहा है, तो हम वो सॉल्व करते हैं पहले, फिर हम थर्ड पे बढ़ते हैं। तो क्या है हमारे गिव अपोजिट, एक हमें रिच दिया गया और हैप्पी, तो हमें क्या लिखना है, उसके अपोजिट वर्ड्स लिखना है। तो किस प्रकार है, तो रिच यानी होता है अमीर, तो अमीर का अपोजिट क्या हुआ, गरीब, तो इसका मीनिंग होगा पुअर। और सेकंड हमें हैप्पी दिया गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अनहैप्पी। अब यहाँ पे आप एच स्मॉल बनाना है, तो आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा अनहैप्पी। तो यहाँ पे हो गया हमारे आंसर, रिच का पुअर, हैप्पी का अनहैप्पी। अब फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा एक बच्चा हुआ है, हु विल बी अवर ट्रू फ्रेंड्स, कौन हमारे सही मित्र होंगे, कौन होंगे, अ ट्रू फ्रेंड्स रिमेन विथ अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, सही दोस्त वही होंगे जो हमारे साथ रहेंगे जब हम मुश्किलों में फंसे रहेंगे तब। तो यहाँ पर हमारा अब क्वेश्चन होता है सेकंड पूरा सॉल्व, सेक्शन ए यानी कि हमने पूरा सॉल्व कर चुके। सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया नीम के ऊपर, सारे प्रोडक्ट किस प्रकार है, प्रोड्यूस है नीम से, तो वो कैसा होंगे केमिकल मेडिकली हमें बताना है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, क्वेश्चन नंबर ए में हमें दिया मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज एंड प्रोवाइड अ टाइटल ऑल्सो, हमें इसमें नोट्स बनाना है, इसके कुछ पॉइंट्स में नोट्स बनाना है और टाइटल भी देना है विद टाइटल। तो सबसे पहले हम टाइटल देंगे, उसके बाद हम इसकी नोट मेकिंग बनाएंगे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है, तो यहाँ पे दिया था मुझे टाइटल भी देना, तो मैंने इसका टाइटल दिया हर्बल ट्री, या आप नीम भी दे सकते हैं, हर्बल ट्री नीम भी और साथ में दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। तो ये मैंने टाइटल दिया किसका, ये पैसेज का जो मुझे दिया गया है नीम के अकॉर्डिंग। अब मैंने इसके नोट्स कैसे बनाए, मैंने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए, आप चाहे तो इस पूरे को बॉक्स के अकॉर्डिंग पूरे को बॉक्स में शो ऑन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको नोट मेकिंग समरी। यहाँ से आप पूरा बॉक्स बना सकते हैं, जैसा कि अच्छे आप स्केल से इसको बराबर बॉक्स बना सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको बॉक्स के अंदर नोट्स अकॉर्डिंग टू नोट्स बना सकते हैं, इस प्रकार हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे वैसे। और यहाँ पे आप टाइटल अच्छे से दे सकते हैं ब्लैक पेन से बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा में। तो यहाँ मैंने टाइटल दे दिया है, इस प्रकार मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हैं कि नीम वॉज ऑलवेज अ मिरेकल ट्री, हमेशा से क्या रहा है नीम, हमेशा से एक चमत्कारी पेड़ रहा है जिसके सॉल्यूशन से हमें बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो मैंने पहला पॉइंट उसको दे दिया है। तो हमें जो नोट मेकिंग है वो कैसे करना है, सिंपली करना है, मतलब हमें इसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स को छांटना है और उसमें बताना है कि हमें क्या फायदा है इससे, हम किस प्रकार इससे, सिर्फ इतना पॉइंट पढ़ के आप बता सकते हैं क्या इस पैसेज के बारे में हमें वो बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट इंक्लूड किया है, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ द नीम, नीम से बहुत सारे फायदे हैं नीम ट्री से, लाइक मेडिसिन एंटीबायोटिक्स एंड सो मेनी बेनिफिट्स, तो यहाँ बहुत सारे फायदे हैं, एंटीबायोटिक्स बनती है मेडिकल फील्ड में, नीम ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा पॉइंट मैंने दिया हर्बल मेडिसिन, यानी कि जो हमारी औषधियां बनती है वो किस प्रकार है, कैन बी मेक बाय द नीम ट्री लीव्स, हम किसके द्वारा बनाते हैं, नीम की पत्तियों के द्वारा हम बहुत सारे मेडिसिन बना सकते हैं इसके नीम के पेड़ के यूज से, हर्बल नीम ट्री के पेड़ से। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे नोट मेकिंग और टाइटल दे दिया। अब मैं बढ़ती हूँ उसके नेक्स्ट, क्या बनाना है मुझे, इसकी समरी बनाना है। तो यहाँ मैंने समरी किस प्रकार बनाई, तो इसमें पैसेज में मुझे दिए जो दिया गया मुझे वही नहीं लिखना है, उसके अकॉर्डिंग पैसेज को पढ़ने के बाद जो मुझे मिल रहा है, तो मैंने यदि दिमाग में पैसेज पढ़ लिया तो उसके बाद मुझे शॉर्ट नोट बनाना है इस पर, कि यदि मैंने दिमाग में पढ़ा है तो किस प्रकार मैं उसको याद करूंगी इस पैसेज को। तो यहाँ से मैंने लिखा है, नीम ट्री इज अ वेरी मिरेकल ट्री, बहुत चमत्कारी पेड़ होता है, इट लीव्स मतलब उसकी पत्ती है, ऑलवेज यूज इन टू मेक मेडिसिन, हमेशा यूज की जाती है मेडिसिन में, एंड ऑल द थिंग्स ऑफ मेडिकल, और सारी मेडिकल चीजों की कुछ ना कुछ हम नीम्स का यूज ही करते हैं, चाहे वो साबुन हो चाहे शैम्पू वगैरह, सब सब में हम यूजेस करते हैं नीम का। एंड इन्वायरमेंटली पर्यावरण की तरीके से एक सेफ नेचुरल पेस्टिसाइड है हमारे लिए नीम, नीड एज इन्वोक्ड वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट, सारी दुनिया को क्या है नीम के पेड़ पौधे पे रिसर्च करना है, और सारे यदि उस पर करते सारे प्रोडक्ट दुनिया में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट नीम के ही यूज से बनते हैं। तो देयर वर 53 पेशेंट्स ऑन नीम रिलेटेड प्रोडक्ट फील्ड वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर क्या है कुछ पेशेंट्स पे पहले ट्राई भी किया गया था किस प्रकार के नीम के प्रोडक्ट पे, तो उनको बहुत अच्छा रिलैक्सेबल हुआ, तो मतलब उसके लिए फायदेमंद हुआ। तो यहाँ से सो एक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय नीम, सारे जो हमारे यूज है मेडिकल ट्रीटमेंट में हम नीम का प्रोडक्ट बहुत सारे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी समरी नोट मेकिंग क्लियर होती है टाइटल से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने पूरी तरह क्लियर कर चुकी हूँ, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या दिया गया, हमें एक आर्टिकल लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के ऊपर, और वो भी हेल्प हमें कुछ इनपुट्स दिए गए वर्बल इनपुट्स, इन पॉइंट्स पे हमें लिखना है। और इसका अथवा क्या है, हमें ऐसे लिखना है 200 वर्ड्स में कोई भी एक टॉपिक पर, या तो हमें इंडियन फेस्टिवल, या तो एनी ग्रेट लीडर, या वंडर ऑफ साइंस। तो मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ, वंडर ऑफ साइंस का भी और एनी ग्रेट लीडर का भी, किस प्रकार लिखेंगे। तो पहले मैं आपको वंडर ऑफ साइंस का बता देती हूँ, तो इसकी रूपरेखा यानी कि साइनप्सिस किस प्रकार होंगी, फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर ऐसे में कॉमन रहेगा। सेकंड हम लिखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, साइंस इन मेडिकल, फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा।
साइंस इन अवर डेली लाइफ हो जाएगा, सेवंथ हो जाएगा कंप्यूटर, अब बस ऑफ साइंस हो जाएगा। यदि आपको इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखना तो आप ओनली 5 पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन आप यूज नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते, या आप सारे यूज करना चाहते हैं तो आप इनमें कम कम डिटेलिंग भी दे सकते हैं। तो इससे आपके सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन आप इस प्रकार का देंगे कि मॉडर्न एज में किस प्रकार है, साइंस की है, हम साइंस के रूप में लेते हैं, मतलब द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। आप यहाँ पे कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, मैन इज द गिफ्ट ऑफ साइंस बट साइंस इज द गिफ्ट ऑफ मैन, ये कोटेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे, द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हैज मेड अवर लाइफ कंफर्टेबल, इट हैज गिवन अस मेनी वंडरफुल थिंग्स, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे और कोटेशन यूज कर सकते हैं चाहे तो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब आविष्कार हमारे लिए इन्वेंशन क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं। सेकंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, और सेम एग्जिट यहाँ पे हम चेंज करेंगे थोड़ा, बस ट्रांसपोर्ट है तो हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर लेंगे और उसी प्रकार हम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर लेंगे। तो इस प्रकार आप इंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन की भी सेम एग्जिट बना सकते हैं। आप साइंस इन मेडिकल में देखते हैं और यहाँ पे इस प्रकार के पॉइंट्स देख सकते हैं, आप साइंस इन मेडिकल में भी इस प्रकार लिखना है। तो कम्युनिकेशन हमने देख लिया, इस प्रकार हमने ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया, एंटरटेनमेंट भी देख लिया। आप नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए इसी प्रकार मैं आपको एनिग्रेट लेटर, यानी कि यहाँ पे मैंने महात्मा गांधी के बारे में बता रही हूँ, तो इसके साइनेप्सिस मतलब क्या होंगे, इसके रूपरेखा किस प्रकार होंगी, तो आप इंट्रोडक्शन एक पॉइंट, बर्थ और फैमिली बता सकते हो, उनका कब जन्म हुआ 2 अक्टूबर वगैरह बता सकते हो, एजुकेशन और प्रैक्टिस उन्हें कहां पर की, किस प्रकार हुई उनकी, उनके स्ट्रगल, हिज स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम, हिज डेथ बता सकते हो, और कंक्लूजन कब उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने किस प्रकार स्वतंत्र संग्राम में आजादी में किस प्रकार भूमिका निभाई वो भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन वगैरह यूज ऑन करोगे। तो इसी प्रकार उनकी एजुकेशन और प्रैक्टिस, उन्होंने लॉ की डिग्री की साउथ अफ्रीका में उन्होंने कंप्लीट किया, किस प्रकार एजुकेशन यूज की, और बाद में किस प्रकार वो इंडिया आए ये भी आप यहाँ बता सकते हो। अब इसका कंक्लूजन मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार यूज करूंगे। तो इस प्रकार उनके डेथ के बाद में क्या रिएक्शन किस प्रकार आए, जवाहरलाल नेहरू के, चर्चिल के, विंस्टन चर्चिल के, किस प्रकार क्रिस्टल से आए, तो इस प्रकार यहाँ पे हमने बता दिया। उनके रिएक्शन भी आप यूज ऑन कर सकते हो उनके डेथ के अकॉर्डिंग पॉइंट में, और कंक्लूजन में आप यूज कर सकते हो किस प्रकार हमने ये पूरा पैसेज में उनके बारे में क्या बताया, क्यों क्या थे, अथॉरिटी ऑफ किंग्स थे, प्रोसेस उन्होंने पजेस किया, इस प्रकार सत्य और अहिंसा के बारे में बताया, तो इस प्रकार वो हमारे लिए बता सकते हैं। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यहाँ पे हमने दोनों ऐसे बता दिए, वंडर ऑफ साइंस और एनिग्रेट लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, यू आर विवेक सिंह ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन एमपी, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यूर ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी एज यूर फादर इज ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यानी कि आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए लिखना है एप्लीकेशन अपने प्राचार्य को, प्रिंसिपल को, कि आपको इश्यू करा दे फटाफट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, क्योंकि आपके पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है दूसरी सिटी में। इसके अथवा में भी हमें एक दिया गया पर मैंने यहाँ पे यही करा है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन एमपी, ये मुझे दिया गया है तो मैंने यही यूज करा है। ये किस प्रकार है, सब्जेक्ट इसका होगा एन एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि आप यहाँ पे डायरेक्ट किसी भी लिख सकते हैं, आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं लिखना चाहते हैं तो। रिस्पेक्टेड सर, अब यहाँ से हमारा क्या होगा, मेन पैराग्राफ स्टार्ट होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्या हूँ कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ रेगुलर नियमित। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, जो हमें नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया हमें, विवेक सिंह, तो आई एम विवेक सिंह रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आप ये भी यहाँ लिख सकते हो। ऑफ यूर स्कूल की जगह पे आप इनका नाम भी लिख सकते हो, स्कूल का नाम जो हमें दिया गया है। तो हमने यहाँ तक देख लिया क्लास 10th इन यूर स्कूल, तो मैंने यहाँ पे बताया आप नाम भी लिख सकते हैं। इन स्कूल सर आई वॉन्ट टू ड्रॉ यूर काइंड अटेंशन, सर मैं अपना आपका ध्यान मेरी ओर खींचना चाहता हूँ, दैट माई फादर इज अ गवर्नमेंट टीचर, मेरे पिताजी क्या है एक सरकारी शिक्षक है, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर हो चुका है, ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर गोइंग विथ हिम, सारे मेरे सारे परिवार के सदस्य मेरे पिताजी के साथ जा रहे हैं, सो आई अनेबल टू स्टे हर, तो मैं भी जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं आ सकता मैं यहाँ, तो सो काइंडली इशू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो कृपया मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें, थैंक यू यूवर्स ओबीडियंटली विवेक सिंह, हमें दिया नाम तो मैंने विवेक सिंह यूज किया। यहाँ पे आप क्लास 10th यूज कीजिए और प्लेस हमें जो दिया है वही यूज करिए, यहाँ पे उज्जैन आप पोस्टक में एमपी भी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार उज्जैन एमपी यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन होता है। आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पूरे फॉर्म सॉल्यूशन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, शी इज थिंकिंग ऑफ ब्लैंक अ कार, तो हमारे ऑप्शन से बाइंग, बॉट और बाय, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर बाय, वही कार खरीदने का सोच रही है, तो इस प्रकार है। अब सेकंड है, माय फादर इज अ डैश टीचर, मेरे पिताजी क्या है एक रिटायर है टीचर या रिटायर्ड टीचर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रिटायर्ड टीचर है। थर्ड क्या है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट के सामने क्या है, ऑनेस्ट हम इसको अ से बोल रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए क्या आएगा, एन आएगा, मतलब यहाँ पे हम अ आ रहा है सो और हमारा है अ, तो यहाँ पर एन यूज करेंगे। अब बढ़ते फोर्थ की ओर, ही डज नॉट हैव डैश मनी लेफ्ट, अब क्या है उसके पास क्या है, कुछ पैसे ही बचे हैं, तो कोई पैसा नहीं बचा मतलब नहीं, कुछ पैसा नहीं बचा है, कुछ भी पैसा नहीं बचा, तो क्या आएगा आंसर हमारे लिए, सम, द
कब पढ़ते हैं हम? फिफ्थ क्वेश्चन की ओर क्या दिया है हमें? ब्लैंक कम आई आंसर, तो क्या आएगा? हमेशा पूछने के लिए हम मे यूज करते, तो मे आई कम आंसर इस प्रकार होता है, तो हम मे यूज करेंगे परमिशन के लिए। हमारे लिए अगला क्वेश्चन क्या है? यू आर सिटिंग डैश सीता एंड गीता, तुम किसके बीच में बैठी हो? तुम बैठी हो सीता और गीता के बीच में। तो यहाँ पर क्या आएगा? अमोंग नहीं आएगा, हमारे लिए क्या आएगा? बिटवीन। तो आंसर होगा बिटवीन। तुम किसके बीच में? के बीच के लिए बिटवीन यूज करेंगे, तुम सीता और गीता के बीच में बैठ रही हो इस प्रकार। अब हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का, शी डैश टॉल्ट इन दिस स्कूल, वो क्या करती है? पढ़ाती है, वह पढ़ाती है इस स्कूल में। तो यहाँ सिखाती है या पढ़ाती है हम यूज कर सकते हैं, तो शी के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर पर्सन सी एन हैज, तो यहाँ पर वह पढ़ाती है इस स्कूल में, हो गया हैज आएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ ट्रांसलेट करना है, कुछ वर्ड दिए हैं, कोई भी 5 करना है, तो अब 5 कोई भी आप छाट के कर सकते हैं या तो आप जो आपको अच्छे से आ रहा है वो करते हैं। तो पहला मैंने दिया है वह पत्र लिखता है, तो ही राइट्स लेटर। अब वह एक पत्र लिखता है, तब हम लिखते थे ही राइट्स अ लेटर, बट ही राइट्स लेटर मतलब वह पत्र लिखता है। सेकंड क्या दिया हमें? आप कैसे हो, हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो, तो ध्यान से लिखिए, हु आर यू नहीं लिख सकते, तुम कौन हो जाएगा, हाउ आर यू ही लिखना है आपको, यानी कि आप कैसे हो। अब थर्ड क्वेश्चन है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो क्या आएंगे? भोपाल इज द कैपिटल ऑफ, तो क्या आएगा? भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। तो भोपाल किसकी कैपिटल है? एमपी की। तो ये हम इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। फोर्थ क्या दिया है? मेरे विद्यालय में 20 कमरे, तो देर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। तो इस प्रकार आप स्पेलिंग की गलती बिल्कुल भी ना करें, सभी स्पेलिंग ध्यान से लिखें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? सूर्य पूर्व से उदय होता है, मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस प्रकार हमने लिख दिया। अब छठवा क्या दिया? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आई कम इन, इस प्रकार हो गया परमिशन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? हमने 6 बता दिया, आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं, आपको जो सरल लगेगा आप वो लिखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो यहाँ से हमारा क्या होता है? सेक्शन सी हमने सॉल्व कर लिया। 6 और 7 हमारे सेक्शन सी के अंतर्गत है, ये ग्रामर और ट्रांसलेशन से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो की सेक्शन डी है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया? एक्स्ट्रा केयरफुल पढ़ना है, इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, डोंट बच फ्रॉम हियर मींस, यहाँ पर हमें जो पेसेस दिया है वो सरदार किशन यानी कि भगत सिंह के पिताजी और भगत सिंह के बारे में दिया गया है, किस प्रकार है। तो यहाँ पर हमें डोंट बच फ्रॉम हियर मींस क्या होगा? तो यहाँ से होगा साइलेंटली किसी भी चीज से मूव मत करना, तो वहां पर क्या होगा? डोंट मूव फ्रॉम हियर, तो यहाँ से मतलब डोंट मूव, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, इस प्रकार इसका मीनिंग होगा। अब सेकंड है, फ्रॉम विच लेसन हैज द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो यहाँ से हमें कौन से लेसन से लिया गया है ये बताना है। तो ये किससे लिया गया है? सॉल्यूशन टू द नेशन, ये लेसन से लिया गया है जिसमें भगत सिंह के बारे में बताया गया है, उनके समर्पण के बारे में भी बताया गया। अब बढ़ते हैं सी नंबर की ओर, तो सरदार किशन सिंह वॉज सरदार भगत सिंह ब्रदर, क्या ये सही है? क्या उनके पिता थे या क्या उनके भाई थे? नहीं, ये गलत है। तो क्या था उनके? उनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये फॉल्स हो गया, तो हमने यहाँ पे फॉल्स आंसर लिखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, Who was going to take भगत सिंह's body? भगत सिंह के शव को लेने कौन गया था? तो कौन गया था ये हमें पैसेज में दिया गया है कि अनाउंस कर दिया था सरदार किशन सिंह ने कि वे जाएंगे लेने। तो आंसर क्या होगा? सरदार किशन सिंह was going to take भगत सिंह's body। तो भगत सिंह की बॉडी को लेने कौन गया था? उनके पिताजी सरदार किशन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हमें एक पैसेज रीडिंग द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, और आज का आंसर देना है इसके क्वेश्चन के। तो काय पे बेस्ड है? हमें यह बेस्ड एक ब्रेव बॉय पे बेस्ड है, उसके एबिलिटी के अनुसार हमें बताया है, उसका डिटर्मिनेशन बहुत पक्का था, उसके लेग्स को किस प्रकार वो हॉस्पिटल वगैरह में यूज करा उसने, और इस प्रकार उसने डिसेबिलिटी को फेस करा। तो हमें ये है, पहला है हमारा द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू डिसेबल इज, अब डिसेबल के समान सिमिलर मीनिंग बताना है हमें क्या होगा। ऑप्शन है डेंजल, ड्रिपल, क्रिपल और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन या तो दृढ़निश्चय होगा, और डेंजल भी एक टाइप्स हो गया हमारे लिए, जस्ट डेंजल बोलते हैं तो उस प्रकार वो टाइप। तो यहाँ क्रिपल का मीनिंग होता है क्या? कोई भी चीजों को हमारे लिए डिसेबल होना, तो यहाँ क्रिपल हो गया हमारा आंसर। अब बी है हमें, बी है क्या है? व्हाट हैड कॉज्ड द डिसेबिलिटी टू द बॉय, वो बॉय का डिसेबिलिटी होने का कारण क्या था? तो किस कारण डिसेबिलिटी हुई थी वो बॉय की? वो जल गया था, अब उसके कारण उसकी ड्यूटी थी, उस प्रकार उसको करना था जो डेली काम, उसके कारण वो जल चुका था, ही गॉट बर्न्ड, आएगा हमारा आंसर। अब सी है हमारे लिए, सी क्या है? द नेम ऑफ द बॉय वॉज, उस बॉय का नाम क्या था जो बाद में जाके सबसे तेज धावक बना, क्या था? तो हमें ऑप्शन में हमारे लिए पेसेज में सबसे लास्ट लाइन में हमें मिल गया फास्टेस्ट मिल, ग्लेन कुनिंगम। तो क्या है उसका आंसर? ग्लेन कुनिंगम। तो आंसर हमारे लिए क्या है? ग्लेन कुनिंगम। अब डी पे है, तो डी पे हमें क्वेश्चन दिया गया, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, उसको इस प्रकार की डिसेबिलिटी से निकलने में, बाहर निकलने में उसकी माँ ने कैसे मदद की, उनकी मदर ने। तो क्या है? एवरीडे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, प्रतिदिन उनकी माँ क्या करती थी? मसाज करती थी उनके पैरों की,
ताकि वो क्या करे, जल्दी से जल्द इससे उबर सके, जल्द से बाहर आ सके इस डिसेबिलिटी से। और यहाँ पे हमारे क्या होता है, पूरा क्वेश्चन नंबर 8-9 का सॉल्यूशन होता है। आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग इन 30 वर्ड, हमें 30 शब्दों में आंसर देना है इसके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड थ्री रिवॉल्यूशनरीज टू डू व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। मैंने ये आंसर नहीं करा है, मैंने क्या करा है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, जो कि हमने ग्लेन कुनिंगम अभी पढ़ा, तो वहीं पे मैंने उसका आंसर करा है। तो इस प्रकार द ड्यूटी क्या थी बच्चे की प्रतिदिन की, तो क्या थी, मैंने इसका आंसर करा है, यानी कि मैंने 10वें का और का दूसरा करा है। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वॉज टू कम टू स्कूल अर्लियर, उसको स्कूल जल्दी आना होता था, इन द मॉर्निंग सुबह इच डे, प्रतिदिन उसको स्कूल जल्दी आना होता था, टू स्टार्ट द फायर इसके लिए आग जलाने के लिए, इन द कोल स्टोव उसको कोयले से आग जलाना होता था, एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव, उसका ये प्रतिदिन का काम था कि उसको टीचर और उसके सहपाठी आने के पहले कमरे को गर्म करना होता था, तो वहां पर आग जलाता था कोयले के द्वारा। तो यहाँ होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व, 1 से लेकर हमने 10 पूरे सॉल्यूशन देख लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का बी, अभी हमने ए सॉल्व करा 10 का, अब 10 के बी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 10वें का बी क्वेश्चन क्या है, हु इज नो एज अ सईद ए आजम, मैंने इसका आंसर लिखा है सईद ए आजम, हमें बताना है किसको कहा जाता था, कौन जाना जाता है। तो आंसर हमें बताया है मैंने अथवा का दूसरा बताया है। तो यहाँ है भगत सिंह नोन एज अ सईद ए आजम, किसको कहा जाता है सईद ए आजम, भगत सिंह को सईद ए आजम कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने उनका नाम लिख दिया है। अब हो गया यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी दोनों सॉल्यूशन हो गए। अब मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, हमें कुछ दिया है, नेम थ्री पेट्रियट्स हु सैक्रिफाइस डेल्यूज फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड द सेम डे एट लाहौर। तो ये हमें भगत सिंह वाले लेसन से ही है, तो मैंने इसका अथवा किया है और का, हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता, कोच ने कैसे सपोर्ट किया ममता को, मैंने इसका आंसर लिखा है। तो क्या होगा इसका आंसर, द कोच सपोर्टेड ममता बाय शोइंग हिज कॉन्फिडेंस इन हर, कोच ने क्या करा, ममता को कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास से भर दिया। ही सेड, कोच ने कहा, शी हैड गुड पेसेस, उसके पास क्या अच्छी चीज, अच्छा है उसके पास, सक्षम है उसमें, एंड वॉज फिजिकली फिटर देन एनीवन, तुम दूसरों से ज्यादा सक्षम हो फिजिकली, इल्स इन द टीम, तुम टीम में सबसे ज्यादा सक्षम हो इस कार्य के लिए। ही ऑल्सो रिमार्क्ड दैट मे बी दैट ईयर दे मे विन द ट्रॉफी बिकॉज ऑफ हर, हो सकता है इस साल हम तुम्हारे कारण क्या जीत जाए, हम ट्रॉफी जीत जाए। इस प्रकार कोच ने इस प्रकार की बातें करके सपोर्टिंग उसको करा, तो उसके कॉन्फिडेंस आ गया, उसको आत्मविश्वास ममता में दिलाया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है, हमें एक रीड करना है एक्सट्रेक्ट केयरफुली और उसके कुछ आंसर्स के उत्तर देना है। तो मैंने यहाँ पर करा है क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर्स। तो पहला है, इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन देयर इज, तो यहाँ पे बताना है बच्चों के दिल में क्या है, तो बच्चों के दिल में क्या है, हमें पहली लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा, क्या है, द बर्ड्स एंड सनशाइन। तो आंसर हुआ इसका द बर्ड्स एंड सनशाइन, ए का फर्स्ट हो गया। अब बी पे चलते हैं, इन द थॉट्स ऑफ द पोइट, पोइट के सोच में विचार में कौन है, तो कौन, उन्होंने किसको सोच विचार की पोएम लिखी है, तो हमारे ऑप्शन है द वाइंड ऑफ ऑटमन और सेकेंड है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन तो इसके पोएम का नाम है, तो उन्होंने बच्चों को सोच के पोएम नहीं लिखी है, बट पोएम का नाम जरूर है। तो उन्होंने क्या, हवा को सोच के, इस प्रकार उनके दिमाग में हवा के विचार आ रहे थे, हवा के झोंकों के, इस प्रकार। तो ये आंसर होगा द वाइंड ऑफ ऑटोमन। तो अब हमें थर्ड है, नेम द पोएम, पोएम का नाम लिखना है। तो अब आगे हमारे लिए चिल्ड्रन पोएम का नाम आ गया। तो हो गया हमारे ए बी सी तीनों सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वेयर डू द विंडोज ओपन, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन हमारे दो दो अंक के, तो हम एक लाइन में भी इंक्लूड कर सकते हैं इसके आंसर, क्योंकि तो हमारा पहला क्वेश्चन है 13 का, वेयर डू द विंडोज ओपन, और इसके अथवा में दिया है, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो यहाँ पर मैंने वेयर डू द विंडोज ओपन, खिड़की कहाँ खुलती है, तो मैंने इसका आंसर दिया है, विंडोज ओपन टू वर्ड्स ईस्ट वेयर द सन राइजेस, तो कहाँ खिलती है, खुलती है खिड़कियां जब सूर्य उदय होता है, जिस दिशा से, यानी कि पूर्व दिशा से उदय होता है, तो उस तरफ खिड़कियां खुलती है। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 मुझे क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग, दो क्वेश्चन दिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे मुझे दोनों के आंसर देना अनिवार्य है, तो मैंने दोनों के दिए। क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, क्या है बच्चे के हृदय में, किस प्रकार हमें बताना है, इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन देयर आर बर्ड्स एंड सनशाइन, ये हमें क्या मिल जाएगा इसका आंसर, हमें क्वेश्चन अभी हमने जस्ट पोइट के अकॉर्डिंग करा, तो वही हमें मिल जाएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो लाइट स्टैंड के हमें बताना है क्या मीनिंग है यहाँ लाइट का। तो मैंने बताया है, लाइट मीन्स नॉलेज,
लाइट का मीनिंग क्या है? ज्ञान है, दैट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इविल एंड गुड, राइट एंड रॉन्ग। तो हमें क्या बताती है? हमें लाइट ये बताती है, यानी कि हमारे जीवन में ज्ञान हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है, और किस प्रकार हमें अच्छाई और बुराई में भी फर्क बताता है। तो हमें अच्छाई बुराई सही गलत में फर्क बताने को ही हम ज्ञान कहेंगे। तो वही यहाँ लाइट का मैंने मीनिंग बताया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या होता है हमारा? 14 पूरा सॉल्यूशन होता है। अब मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, तो हमें यहाँ देना है आंसर द फॉलोइंग, 30 वर्ड्स में देना है। और सारे क्वेश्चंस कितने हमारे 10 का है, मतलब एक क्वेश्चन कितने अंक का? दो दो अंक का है। तो हमें ये पूरे 10 अंक के क्वेश्चन हो गए हमारे लिए। तो यहाँ से हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन, व्हाई वॉज द बॉय हैप्पी ऑल द डे। यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है, आपको पांचों क्वेश्चन करना है, इसमें कोई भी छूट हमें नहीं दी गई है। तो पहला क्वेश्चन वही हम देखते हैं कि बॉय क्यों हैप्पी था सारा दिन। तो आंसर क्या होगा? ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉक अप बिफोर द मॉर्निंग। वह क्यों खुश था? क्योंकि वह सुबह बहुत जल्दी उठ चुका था, बहुत ही बिफोर द मॉर्निंग, मतलब सुबह होने से पहले ही उठ चुका था, इसीलिए वह बहुत खुश था। अब दूसरा आंसर क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, हाउ डज अ मॉस्किटो बिगेन इट्स लाइफ एंड वेयर। तो मॉस्किटो अपनी लाइफ किस प्रकार शुरुआत करते हैं और कहां पर? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, मॉस्किटो बिगेन्स इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन वॉटर। कहाँ पर होता है? हमारे गंदे पानी में, कहाँ मच्छर ज्यादा पनपते हैं, तो यहाँ पर उनका जन्म होता है और लार्वा अगेन वो डिसीज करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, Why did the woman start running? तो वुमेन ने क्यों स्टार्ट कर दी रनिंग, दौड़ना क्यों स्टार्ट कर दिया? तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, द वुमेन स्टार्टेड रनिंग बिकॉज शी सॉ द फॉर्मिडेबल आर्मी एंड शी पैनिक्ड। अब इस प्रकार इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वुमेन ने स्टार्ट कर दिया था दौड़ना, किसने क्या करा, आर्मी को शी पैनिक्ड हो चुकी थी। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्या है मलेरिया के अकॉर्डिंग हमें ये भी कि इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट ऑक्यूर एंड व्हाई। तो क्या होगा इसका आंसर? तो हमारा क्वेश्चन था क्या, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट ऑक्यूर एंड व्हाई। कहां पर, कैसे, क्यों हमें बताना है मलेरिया किस प्रकार फैलता है। तो यहाँ पे मलेरिया डज नॉट ऑक्यूर टू इन ड्राई डेजर्ट, सूखी जगह पे हम इतना फर्क नहीं पड़ेगा मंट्री मलेरिया से, कंट्रीज बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर। तो वहां मॉस्किटोज नहीं रह सकते हैं, हमेशा मॉस्किटोज वाटर के अंदर पनपते हैं और वाटर के अंदर ही उनका लार्वा होता है। इस प्रकार ये होगा हमारे यहाँ पे कितना, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्व। तो यहाँ पे हमें कितने क्वेश्चन करना था, हमें पांच क्वेश्चन करना था। और पांचवा क्या है, व्हाट इज द कार्ट कैरिंग, क्या जा रहा था कार्ट में, क्या लेके जा रहे थे। तो हमारा आंसर होगा, द कार्ट इज कैरिंग मैन एंड लोड। किसको लेके जा रही थी, वो लोड भी लेके जा रही थी और मैन को भी लेके जा रही। तो यहाँ पर हमने क्या सॉल्यूशन देखे, हमने 1 to 15 पूरे ऑल सॉल्यूशन देखे सारे क्वेश्चंस के, वो भी सारे एक्सप्लेनेशंस के तहत। तो अब यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सॉल्यूशन इसका फटाफट लिख सके। और यदि आप वीडियो पर नया है तो ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे रिविजन टेस्ट पेपर आने वाले सारे पेपर्स के सॉल्यूशन फटाफट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।